So, क्या दोस्तों है और आज की वीडियो में e बताने वाला हूँ जो आई मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं सुमर आई टी के भाई एग्जाम पर मेरे को लग रहा है डर तो कोई नहीं आपने रिक्वेस्ट की और मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंस लेके आ गया प्रॉपरली पेपर एनालिसिस करके एनालिसिस करके इंपॉर्टेंस लाता हूँ और जिसमें आपको बताता हूँ हर मॉडल से कौन सी चीज आपको पहले करके जानी है जिससे आप कम टाइम में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ तो इस वीडियो में मैं आपको ऑन्टरप्रीनरशिप एंड ई बिजनेस के बताने वाला हूं इंपॉर्टेंस मॉडल वाइज इसी के साथ साथ इसी चैनल पर मैं आपको इंटरनेट प्रोग्रामिंग हो गया सीएनएस हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया साथ में कॉम्स और ए आई एम के भी इंपॉर्टेंस लाने वाला हूँ तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो उसी के साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो क्योंकि उसमें मैं टॉप टेन और टॉप ट्वेल्व मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहां पे शेयर करने वाला हूँ और बाकी रिसोर्सेज भी शेयर करने वाला हूँ तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं तो so, ऑनट्रप्रीनरशिप के मॉडल वाइज इंपॉर्टेंट के लिए आपको सबसे पहले लास्ट मोटिशन का ऐप डाउनलोड कर लेना है जिसकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी वहाँ पर आपको जाना है कोर्सेज में कोर्सेज में आपको सामने सेम फाई आई दिखेगा जैसे आप उस पर क्लिक करोगे जितने भी मैं सेम फाई आई टी के इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ आप उनको फ्री में एक्सेस कर सकते हो मॉडल वाइज इंपॉर्टेंस के लिए आपको कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं आप नीचे जाओगे तो देखो आपको यहाँ पे यहाँ पे दिखेगा ऑन्टरप्रिनोरशिप एंड ई बिजनेस का इंपॉर्टेंट ये वाले पी पे आप क्लिक करोगे तो आपको मॉडल वाइज इंपॉर्टेंट मिल जाएगा क्लियर है इम्पॉर्टेंस फ्री है तो चलो शुरू करते हैं और आ जाते हैं सबसे पहले मॉडल पे ऑफ ऑन्टरप्रिनरशिप एंड ई बिजनेस के इंपॉर्टेंस के तो भैया पहला मॉडल है इंट्रोडक्शन उसमें टोटल चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा से ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो है डिफाइन वुमेन ऑन्टरप्रेनोर एंड स्टेट द स्टेप्स गवर्नमेंट शुड टेक टू एनकरेज वुमेन ऑन्टरप्रेनोर भैया ये क्वेश्चन आने के पहले मॉडल से सबसे ज्यादा चांसेस है क्लियर है इन चारों क्वेश्चन में से सबसे कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा है वुमेन ऑन्ट्रप्रेनोरशिप वाला क्लियर है और इसका मैंने बहुत अच्छा वीडियो में एक्सप्लेनेशन किया है क्या होता है वुमेन ऑन्टरप्रेनोरशि और उसके क्या स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए तो हमारे कोर्स में आपको मिलेगा उसके बाद सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टें क्वेश्चन है जो दो बार पूछा गया है वो है कंपेयर ऑन्ट्रप्रेनोर एंड अ मैनेजर तो सेकेंड प्रायोरिटी पे क्या होता है ऑन्टरप्रेनोर एंड मैनेजर बाकी दो क्वेश्चन है जो एक एक बार पूछे गए वो है कि ऑन्ट्रप्रेनोर क्या होता है और क्या डिफरेंट टाइप्स मतलब क्या है लिस्ट द फोर रोल्स ऑफ एन ऑन्ट्रप्रेनोर वो बता दो और उसी तरह से क्या क्या टाइप के ऑन्ट्रप्रेनोर होते हैं विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो क्लियर है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि देखो तीन क्वेश्चन आ सकते हैं पहला वुमेन ऑन्ट्रप्रेनोरशिप ऑन्ट्रप्रिन बस मैनेजर और ऑन्ट्रप्रनोर क्या होता है और उसके टाइप ऑफ ऑन्ट्रप्रनोर एक साथ पूछ सकते हैं पर सबसे प्रायोरिटी कौन सा है वुमेन ऑन्ट्रप्रिनरशिप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ओके मॉडल वन डन मॉडल टू पे आ जाते हैं मॉडल टू है ऑन्ट्रप्रेनोरशिप डेवलपमेंट एंड लीडरशिप अगर इसमें देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है सबसे पहला आ जाता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अपना लिस्ट द वेरियस टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन बाय बांट्रप्रीनोर फॉर द एम्प्लॉय कि जैसे जो फाउंडर होता है वो अपने पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको किस तरह से मोटिवेटेड करता है तो दो तरीके होते हैं एक फाइनेंशियल पैसे देखें इंसेंटिव देखें एक है नॉन फाइनेंशियल भी होता है क्लियर है तो अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो दोनों आपको पढ़ के जाना है फाइनेंशियल मोटिवेशन क्या होती है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन क्या होती है इसके अंदर अलग अलग टाइप के कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बता दो एक्सप्लेन डिफरेंट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन टेक्निक दैट आर कैन बी यूज बाय ऑनपनर टू मोटिवेट द एम्प्लॉय कंपेयर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेथड ऑफ मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकेंड मॉडल में अगर कोई क्वेश्चन है तो यही है दस मार्क्स के लिए पूछा जाता है भाई क्लियर है इसका भी वीडियो लेक्चर हमारे कोर्स में आपको बहुत अच्छे से मैंने खुद एक्सप्लेन किया वो आपको मिल जाएगा फिर एक क्वेश्चन है वो है कि डिफाइंड क्या होता है एम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्या होता है और और गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी है इसके अंदर भाई बहुत अच्छी चीज आपको समझना चाहिए और ये सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है सबसे निम, पहले नंबर पे क्या मोटिवेशन टेक्निक है एम्प्लॉय के एम्प्लॉय को ऑन्ट्रप्रेनर किस तरह से अपने एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखता है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों पढ़ के जाना फिर आ जाते हैं मॉडल टू में और भी क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑन्टरप्रेनोर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एक ऑन्ट्रप्रेनोर की तरफ वजह से क्या कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो बताओ तो ये शायद से कभी कभी दे सकते हैं उसके चांसेस हैं उसके बाद भी दो क्वेश्चंस है कि वह ऑन्ट्रप्रेनोर्स आर अनविलिंग टू डेलीगेट वर्क गिव फाइव रीजन एंड वट आर द थ्री प्रिंसिपल ऑफ एन ऑन्टरप्रेनरशिप लीडरशिप ऑन्टरप्रनोरियल लीडरशिप तो ये एक एक बार पूछा गया है पर अगर आप सेकेंड मॉडल में कुछ सबसे ज़्यादा एक ही बार एक ही आंसर पढ़ के जाना है तो कौन सा होगा वो होगा अपना वेरियस टेक्निक ऑफ मोटिवेशन बाय बांटरप्रेन फॉर देयर यांप्लाइज क्लियर है पर मैं कहूँ रिकमेंड करूँगा कि ये पाँच क्वेश्चन करके जाओ ठीक है तो यार आगे बढ़ने के पहले मेरे को पता है कि आपको तो यार बहुत सारे प्रॉब्लम में आप सुमर बाद टाइम बहुत कम है मैं बहुत परेशान हूँ किस तरह से इतनी सारी प्रिपरेशन में एक साथ करूँ प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है क्या जमा करूँ कहाँ करूँ एंड आई टोटली अंडरस्टैंड यू इसलिए आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने लाया है सेम फाई आई का बंडल पैक इसमें आपको चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे ऑन्ट्रप्रीनरशिप इंटरनेट प्रोग्रामिंग सी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे इंपॉर्टेंस मिलेंगे उसके सोलूशन मिलेंगे मतलब एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाएगा कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं आप समझ रहे हो यहाँ पर अगर आप देखोगे इंटरनेट प्रोग्रामिंग कवर है सी एन एस कवर है उसके साथ इंपॉर्टेंस हो गए ऑट्रप्रिनोरशिप है मॉडल वाइज इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है सारी चीज़ें आपको एक जगह पर मिल जाएंगी दिस इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए हज़ारों बच्चों ने इसको यूज कर लिया है और मेरे को बहुत डिमांड हो रही थी आई वालों के लिए लेके आओ सुमेर भाई प्लीज़ तो मैंने मॉडल वाइज इंपॉर्टेंस भी आपके लिए लाया हो और साथ में एक कोर्स भी लाया हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी अफोर्डेबल कोर्स है आप आराम से इसको ले सकते हो तो फटफट -फट इसको लो और अपनी एग्जाम की तैयारी ऐसे करो कि आप हाई पॉइंट स्कोर कर पाओ क्लियर है तो फटफट एनरोल दो कोर्स ना हो और चलो आगे बढ़ते हैं फिर आ जाते हैं मॉडल थ्री में सबसे बड़ा मॉडल आपके पूरे छः मॉडल में से क्लियर है और उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं पहला क्वेश्चन मॉडल थ्री में अगर कोई इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर आप एक नया वेंचर प्लान कर रहे हो तो क्या स्टेप्स है विच आर टू बी एनालाइज बिफोर प्लानिंग अ न्यू वेंचर या एक्सप्लेन द स्टेप्स टू बी एनालाइज फॉर प्लानिंग अ न्यू वेंचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप समझ रहे हो इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रिपेयर अ डिटेल स्टेप बाय स्टेप रिपोर्ट ऑन प्लानिंग अ न्यू वेंचर उसमें आना चाहिए चॉइस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस रॉ मटेरियल ह्यूमन रिसोर्स प्रिक्योरमेंट प्रोडक्शन मार्केटिंग सेल्स सारी चीजें आनी चाहिए और आपने ये वाला आंसर अच्छे से कर लिया ना स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस के क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ची, मार्केटिंग क्या होनी चाहिए सेल्स क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट कहाँ से आना चाहिए रो मेटल कहाँ से आना चाहिए अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो इसके बाद इसका सिमिलर एक क्वेश्चन है कि एनलिस डिफरेंट फैक्टर्स दैट एन ऑन शुड कंसिडर टू मेक श्योर द न्यू वेंचर डज नॉट फेल कैसी क्या क्या चीज़ है एक ऑन्ट्रप्रेनर को ध्यान रखना चाहिए जिससे जो नया वेंचर है वो फेल ना हो जिसमें मार्केट रिसर्च हो सकता है प्रोडक्ट मार्केट फिट हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉपर प्लानिंग हो सकती है सेल्स की मार्केटिंग की प्रॉपर प्लानिंग हो सकती है कि इसकी वजह से तो अगर आपने स्टेप्स अच्छे से कर लिया तो ये भी सिमिलर आंसर है और उसी का एक और सिमिलर आंसर है कि देखो तो सही करने के लिए क्या होगा ए बी सी करो तो अगर सेकंड क्वेश्चन क्या थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ लिस्ट डिफरेंट फैक्टर्स देट कैन रिजल्ट इन फेलियर ऑफ अ न्यू वेंचर तो भैया सही करने के लिए ए बी सी डी करना है तो फेलियर के लिए क्या चीज़ें होगी ए बी सी डी नहीं करना है सही के लिए क्या था प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग गलत के लिए क्या होगा नॉन प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नॉन प्रॉपर प्रोडक्ट मार्केट फिट मार्केट रिसर्च नहीं की है तो अगर आप ये आंसर्स पढ़ोगे ना जो मैंने नोट्स में दिया है और अपने मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया तो आपको समझ जाएगा कि सेम ही है भाई समझा तो वही अगर आप आराम से पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा आप आराम से इसको लिख पाओगे तो ये एक ही आंसर है इसको मैं अलग अलग कंसिडर नहीं कर रहा हूँ ओके okay, फिर आ जाते हैं जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है कि एक्सप्लेन बिजनेस प्लान एंड इट्स ड्राइवर इसको एक और ऐसे भी पूछ सकते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन बिजनेस एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल इंडिकेटिंग द फ्यूचर ऑफ अ गुड बिजनेस प्लान क्लियर है तो आपको बिजनेस प्लान क्या होता है उसके फीचर्स क्या है गुड बिजनेस प्लान्स के वो पूछा जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप समझ रहे हो उसी तरह से इसी के साथ साथ ज्यादा करके तो बिजनेस प्लान पूछते हैं पर लास्ट दो पेपर में एक और चीज़ पूछ रहे हैं लोग क्या पूछ रहे सुमर भाई पूछ रहे हैं कि स्टेट एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल इंडिकेटिंग द फ्यूचर ऑफ अ गुड मार्केटिंग प्लान क्या भाई बिजनेस प्लान के अंदर ही मार्केटिंग प्लान आता है लेकिन नहीं मार्केटिंग प्लान का पूरा अच्छे से मेरे को फीचर्स बताओ तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करके जाने हैं और दोनों अलग अलग है ठीक है तो समझ गए ओके और बिजनेस प्लान को बहुत अच्छे से मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में कोर्स में एक्सप्लेन किया है मस्त से मैंने बताया भाई उसके बाद आ जाते हैं देखो मॉडल थ्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है एक्वाइजेशन क्या होता है क्लियर क्वेश्चन अच्छे तरह से होगा एक्सप्लेन द टर्म एक्वाज एक्वाजेशन मार्क्स के लिए पूछ देंगे या फिर पूछेंगे एक्सप्लेन द टर्म एक्वाइजेशन डिफरेंट एंड आल्सो एक्सप्लेन डिफरेंट वेज ऑफ एक्वाजेशन या फिर लिस्ट डिफरेंट मेथड ऑफ़ एक्वाइजेशन दस मार्क्स के लिए पूछ लेंगे और मतलब चार पेपर अगर आप एनालाइज करोगे ना चारों में पूछा गया इतना इंपॉर्टेंट है आप समझ रहे हो मॉड्यूथ्री में कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो एक्वाइजेशन है ओके okay. ओके okay. उसके बाद क्या आ जाते स्वर्ट एनालिसिस पर सवाल पूछा जा रहा है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट क्लियर है तो आपको बोला रहेगा स्वाट एनालिसिस करो एक पर्टिकुलर चीज़ का तो उसमें फॉर एग्जाम्पल देखो स्टार्टिंग राइट ए डिटेल बिजनेस रिपोर्ट ऑन स्टार्टिंग ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बिजनेस यूजिंग स्वाट स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एनालिसिस उसी तरह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट को आपका रिपोर्ट बनाना है यूजिंग स्वाट मैंने स्वाट एनालिसिस मस्त से बताया भाई क्लियर है एल का एग्जाम्पल लिया है ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बिजनेस का एग्जाम्पल एक लिया है इसके बाद एक बार वो वीडियो देख लोगे ना तो आप कोई भी स्वाट एनालिसिस खुद कर लोगे इतना क्लियर है तो मॉडल थ्री में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ सबसे पहले तो एक्वाजिशन करके जाओ अगर बहुत ही कम टाइम है ना एक ही आंसर करना है एक्वाजिशन करके जाओ इतना क्लियर है उसके बाद उसके बाद बिजनेस ड्राइवर कर लो ये इंपॉर्टेंट है बिजनेस प्लान कर लो ये इंपॉर्टेंट है ये पाँचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन पाँचों क्वेश्चन में बाकी जो चार है वो सेम प्रायोरिटी है सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी एक्वाजेशन है तो ये न्यू वेंचर की प्लानिंग क्या होती है वो कर लो ऐसे कौन सा एक्शन है जिससे वेंचर सक्सेस होता है वो कर लो कौन सा एक्शन है जिससे वेंचर फेल होता है सेम उसका ऑपोजिट लिख दो और ये चार है पर इसमें एक्वाजिशन सबसे प्रायोरिटी है पाँच ही क्वेश्चन है भैया सबसे ज़्यादा मॉडल के आते हैं पाँच में से तीन तो पूछ ही जाएंगे तो पाँच करके जाओ भाई फिर आ जाता है फोर्थ वाला फोर्थ वाले में चार ही क्वेश्चन है आप समझ रहे हो फोर्थ जो मॉडल है उसमें चार ही क्वेश्चन है और उसमें क्या मुझे को प्रायोरिटी आप पूछोगे तो वो है एन एंड एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर एन ऑन्टरप्राइज एक बिजनेस है उसको अलग अलग जगह से पैसे लगते हैं तो कहाँ से वो पैसों का जुगाड़ करता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए कौन से कौन से फाइनेंस इसके लोन लेता है इक्विटी देता है क्या करता है वो सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी पड़ती हैं क्लियर है इसी का एक सब मतलब इसका एक छोटा सा पार्ट भी पूछ सकते हैं लिस्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एक होता है टोटल फाइनेंस जिसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों आता है एक उन्होंने इसे पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म फाइनेंस पूछा है तो अगर आप ये वाला आंसर कर लो तो आपके अंदर ये वाला तो आ ही जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दो बार पूछा गया दस दस मार्क्स के लिए इतना क्लियर है ओके okay. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में बताऊँ और टेलर फोर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्सप्लेन करो मैंने खुद मस्त से बताया है आप एक बार वीडियो देख लो कि आप खुद आंसर लिख के आओगे इतना क्लियर है तो वो आप चेकआउट कर सकते हो उसके बाद दो क्वेश्चन जो एक एक बार पूछे गए हैं वो है कि सीड फंडिंग क्या होती है क्राउड फंडिंग क्या होती है वेंचर कैपिटल क्या होता है प्राइवेटी पब्लिक इक्विटी है ये सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है उसके साथ डिफरेंट स्टेजेस क्या है जहाँ पे बिज़नेस को फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो बताना है तो ये एक एक बार पूछे गए तो इसमें सबसे ज़्यादा दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों है पर चौथे मॉडल में चार ही क्वेश्चन है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि चारों करके जाओ चारों में से कोई दो तो आएगा ही फिर आ जाता है फिफ्थ मॉडल फिफ्थ मॉडल में एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन इतना 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 इसलिए देखो मैंने कहीं भी ट्रिपल वी नहीं डाला है सिर्फ इस इसमें मैंने ट्रिपल वी डाला है वो है ई कॉमर्स क्या होता है और उसके टाइप्स एक्सप्लेन करो फॉर एग्जाम्पल डिफाइन ई कॉमर्स एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स या फिर आपको सवाल आएगा और लिस्ट द टाइप ऑफ ई कॉमर्स एक्सप्लेन एनी टू विद एग्जाम्पल बी टू बी बी टू सी सी टू सी बी टू सी सारी चीज़ें अपने वो एक्सप्लेन करनी है भैया इसके अंदर तो हमारे भाई ने सब कुछ इसमें बता दिया है तो आप उसको आराम से अच्छे से कोर्स को देख सकते हो और चेकआउट कर सकते हो लेकिन सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मॉडल फाइव में आते ही आता है वो अलग है ई e कॉमर्स आप समझ रहे हो उसके बाद अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कि कैसे टेक्नोलॉजी एडॉप्शन क्या होता है पहले तो ये बताओ वॉट इज़ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एक्सप्लेन द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर टेक्नोलॉजी एडोप्शन या फिर और टेक्नोलॉजी एडप्शन लीड्स टू सक्सेसफुल बिजनेस एक्टिविटी कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट जस्टिफाई योर आंसर एक ही चीज़ है भाई आराम से अगर आप ये नॉर्मल है कि भाई क्यों टेक्नोलॉजी एडप्शमेंट से बिज़नेस है उसकी ग्रोथ होगी और टेक्नोलॉजी एडोप्शन किस तरह से की जाती है क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर है उस चीज़ को बताऊँ बहुत इंपॉर्टेंट है दो बार पूछा गया है क्लियर है उसके बाद कुछ और चार क्वेश्चन है जो एक एक बार पूछे गए हैं लेकिन करके जाना चाहिए वो है डिस्क्राइब द चैलेंजेस ऑफ अ ई बिजनेस मॉडल वो आप बता देना एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल द फॉलोइंग स्टेटमेंट ई कॉमर्स कैन रिजल्ट इन ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ओके यूज़ ऑफ़ ई बिज़नेस टेक्नोलॉजी रिजल्ट इन बेटर एंड मोर टाइमली डिसीजन अक्रॉस ऑल चैनल ऑफ द सप्लाई चेन जस्टिफाई ये जस्टिफाई करना है ये बताना है उसके बाद इलाबरेट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या होता है उसको एक्सप्लेन करो वॉट आर द एडवांटेज ऑफ वेल मैनेज इन्फॉर्मेशन तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको करके जाना चाहिए लेकिन ई e कॉमर्स को तो करके 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 ही जाना इसके साथ साथ अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है मैं अभी भी एक आपको कह रहा हूँ आप एल एम टी का बंडल पैक ले सकते हो आई टी का जिसमें अपना इंटरनेट प्रोग्रामिंग हो गया सी एन एस हो गया एस सी हो गया और ई ई ई ई डी है ऑन्टरप्रिनरशिप एंड ई बिज़नेस ये भी कवर है तो भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी चेकआउट करो अब आ जाते हैं पूरे छः मॉडल में से अगर आप मेरे को बोलोगे ना कि सुमेर पर सबसे पहले कौन सा मॉडल को पकड़ूँ और उसको सीखूँ तो मैं कहूँगा सिक्स मॉडल ले लें भाई क्योंकि सिक्स मॉडल में तीन क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो तीन में से दो तो गारंटी आते आप समझ रहे हो तो आते ही आते हैं और मैक्सिमम तो तीनों के तीनों पूछ लेते वो कौन से ईआरपी e पूछेंगे भैया ईआरपी e क्या होता है उसको बताओ उसके साथ साथ उसके डिफरेंट फीचर बता दो ईआरपी e के क्लियर है सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूछेंगे एससीएम क्या होता है और उसके बाद प्रिक्योरमेंट एंड ई प्रक्योरमेंट पूछेंगे मस्त से तुम्हारे भाई ने एक एक वीडियो को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया मस्त नोट्स दिए भाई क्लियर है तो ये तीन तो पूछते 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 ही है भाई तीनों में से दो तो आएगा ही बीस मार्क्स आपका कहीं नहीं जा रहा अगर आप ये तीन आंसर करके जा रहे हो तो पर किस तरह से पूछते चलो वो देख लेते हैं तो सिंपल्स आ जाएगा डिफाइन ई आर पी इट द डिफरेंट फीचर ऑफ ई आर पी और क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिफाइन एन ई आर पी इट द डिफरेंट फीचर ऑफ एन ई आर पी शुड हैव फॉर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सॉफ्टवेयर तो आपको ई आर पी अगर आप समझ गया तो आप किसी भी चीज़ के लिए कौन से फीचर पर्टिकुलर के स्टडी के लिए अगर आपको पूछा जाएगा तो वो आपको लिखना आना चाहिए मोस्टली तो ऐसे ही पूछते कि ई आर पी क्या उसकी फीचर्स क्या वो बता दो ओके okay? उसके बाद एक और चीज़ है जैसे इन्होंने एक्सटेंडेड भी एक क्वेश्चन पूछा था डिस्कस द कोर एंड एक्सटेंडेड कॉम्पोनेंट ऑफ एन ई आर पी सिस्टम तो पहले तो कोर कॉम्पोनेंट तो बता दो ना ऊपर जो फीचर है वही तो कोर कॉम्पोनेंट होंगे और उसके बाद एक्सटेंडेड भी अगर आप दो चार पढ़ के जाओ तो दस मार्क्स हाथ से जाने नहीं चाहिए ना भाई तो आप कर सकते हो तो ई के रिगार्डिंग ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं इसके अलावा ज़्यादा घुमा के नहीं पूछेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत सिंपल है एक्सप्लेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एनालिसिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा ही सेम टू सेम पूछते हैं भाई दस मार्क्स के लिए उसके बाद प्रिक्योरमेंट भी बहुत सिंपल है एक्सप्लेन प्रिक्योरमेंट ई प्रिक्योरमेंट एंड डिस्क्राइब द कम्पोनेंट ऑफ ई प्रिक्योरमेंट ज़्यादा करके ई प्रिक्योरमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है बहुत ईजी चीज़ है अगर आप समझ जाओगे मतलब मैं, मैं कोर्स में अगर आप वीडियो देख लोगे आपको हो जाएगा बोलता है इतना ईजी था क्या ऐसे बोलोगे एक और क्वेश्चन है जो दो बार पूछा गया है। बाकी जो तीन मतलब ये टोटल चार में से जो तीन क्वेश्चन है ना वो चार चार बार पूछे गए पिछले चार पेपर देखो चारों पेपर एक क्वेश्चन है जो दो बार पूछा गया मतलब टोटल पाँच पेपर एनालिसिस एनाइसिस आपके लिए आप समझ लो सी आर पूछा गया है। क्लियर है और साथ में क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन फंक्शनल एरिया ऑफ सी या फिर डिस्क्राइब द इवॉल्यूशन फंक्शन एंड करंट ट्रेंड ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है अगर आप कभी बिजनेस के रिगार्डिंग पढ़ रहे हो तो और इसको भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है तो ये थे टोटल मॉडल वाइज इंपॉर्टेंस आपको ना मतलब टॉप टूवेल्व क्वेश्चन मैंने बनाए हैं इसी में से एनालिसिस करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है सेम फाई आई का जिसमें हम जो भी और भी इंपॉर्टेंस आएंगे जो भी रिसोर्सेज होगी हम वहाँ पे शेयर करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फटफट ग्रुप ज्वाइन कर लो क्योंकि वहाँ पर टॉप टूवेल्ड डालने वाला हूँ टॉप टेन नहीं डाल रहा टॉप ट्वेल्ल डाल रहा हूँ क्योंकि टॉप ट्वेल्व भाई मेरे को लग रहा है कि इसमें से तो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा आप समझ रहे हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप फटफट ज्वाइन कर लो चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके रखो क्यों क्योंकि भैया मैं आई और बाकी सारे जितने भी एस सी ए नए एस सी भाई आई टी की बहुत सारे इंपॉर्टेंस कॉम्स के ए आई एम एल के इंपॉर्टेंस आने वाले मुंबई यूनिवर्सिटी के तो क्या कर रहे हो फटफट -फट चैनल को सब्सक्राइब करो इसी के साथ साथ अगर आपने कोर्स चेकआउट नहीं किया है तो अभी कर लो भाई बंडल पैक है अफोर्डेबल प्राइस है क्लियर है और इसी में आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे इंपॉर्टेंस और उसके सोल्यूशंस भी मिल जाएंगे तो क्या चाहिए सारी चीज़ें एक ही जगह पर हो जाएगी आप कोर्स ले लेते हो तो आराम से ई को तो जो अपना औररशिप वाला कोर्स है वो तो दो दिन में आप कर लोगे तो फटफट टेक द बंडल नाउ डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी और अपने सारे दोस्तों में शेयर करो बहुत मेहनत करके मैंने ये इम्पोटेंस बनाए हैं सिर्फ आपके लिए मेरे को बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सुमर मेरे भाई आईटी के लिए बनाओ आईटी के लिए बनाओ तो तुम्हारे भाई ने आईटी के लिए लेके आ गया है इम्पोर्टेंस अब आपका काम है आप इसको कितना सपोर्ट करते हो तो सारे कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाना चाहिए हो जाएगा ना चलो थैंक यू सो मच